करनाल के जिला सचिवालय में महिला ने जहर खा लिया, जिसके बाद सचिवालय में हड़कंप मच गया। महिला के साथ जिला सचिवालय में उसके दो बच्चे भी आए थे। करनाल में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ जिला सचिवालय पहुंची, लेकिन जैसे ही वो एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो चक्कर खा के गिर जाती है, जिसके बाद उसके बच्चे बताते हैं कि मम्मी ने जहर खा लिया। उसके बाद महिला को आनन फानन में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के बैग में एक नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें महिला ने जमीनी विवाद से जुड़ी बातें और तंग कर रहे लोगों के नाम लिखे हैं। ये यहाँ पर जस्ट मेरे पास फोन आया था, भाई किसी महिला ने कोई पॉइजन खा लिया, कोई यहाँ पर आया। आपको बता दें, महिला के पति की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके पति की ये दूसरी शादी थी, इसीलिए जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो इस महिला को परेशान करते थे, जिसके बाद महिला की तरफ से ये कदम उठाया गया। आई है, हम एडमिट कर लिया है, ट्रीटमेंट जारी है। इनके जो रिलेटिव है, हमने इनको मैसेज कर दिया, भाई यहाँ पर कोई पॉइजन आप किसने खा लिया। अभी फिलहाल पुलिस बच्चों से पूछताछ कर रही है कि महिला जिला सचिवालय में क्यों आई थी, महिला ने जहर क्यों खाया, ताकि इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। वहीं पुलिस को महिला के होश में भी आने का इंतजार है, ताकि इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा सके।